नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक नई प्रॉब्लम है, प्रिंटर पॉज वाला। तो ये हमारा प्रिंटर है, चालू है, और ये हमारा सिस्टम है जिससे प्रिंटर कनेक्टेड है, और हमने पहले दो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट पे दिए हुए हैं। देखिए, वो प्रिंट नहीं हुए हैं, दोनों स्टक हो गए हैं। फिर से दोनों को कैंसिल करके हम प्रिंट पर देखते हैं। तो प्रिंट हमने दिया, लेकिन अभी तक तो प्रिंटर पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मतलब कमांड अभी भी प्रिंटर को नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए, ये भी यहाँ पे स्टक है। तो आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। आपको सिंपली डिवाइस एंड प्रिंटर से प्रिंटर को रिमूव कर देना है, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप विंडो पे जाइए, स्टार्ट बटन क्लिक करके, और वहाँ पे जाना है आपको सेटिंग में। सेटिंग में आपको मिलेगा डिवाइसेस, डिवाइसेस में जाना है, फिर आपको प्रिंटर इन स्कैनर्स में, जहाँ पे प्रिंटर आपका लिस्ट करेगा। देखिए, यहाँ पे आ रहा है डिफ़ॉल्ट में पॉज्ड करके, तो सिंपली आप उसको रिमूव कर लेना है। तो यहाँ से सिर्फ डिवाइस रिमूव होता है, प्रिंटर का जो ड्राइवर है एज इट इज़ वैसा ही रहता है सिस्टम में। अब आपको जाके बंद कर देना है प्रिंटर को। देखिए, कनेक्टेड ही रहेगा, लेकिन बंद करके एक बार फिर से चालू करना है। ये चालू हो गया, और थोड़ा सा यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर्स में अपन चेक करते हैं, वेट करते हैं, वो ऑटोमेटिक डिवाइस को डिटेक्ट करके ड्राइवर के साथ उसको सेटअप कर लेगा विंडो। तो डिवाइस डिटेक्ट हो चुका है, थोड़ी देर में ये सेटअप हो जाएगा। तो देखिए, ये सेटअप ही हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि ड्राइवर पहले से था और ये नॉर्मल फंक्शन करेगा। पहले इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर लेते हैं अपन, फिर उसी डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट लेकर देखते हैं। तो ये हमने प्रिंट कमांड दे दिया है। डॉक्यूमेंट थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है करके हमने ब्लर कर रखा है। तो प्रिंट देखिए हमारा आ गया है। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए। और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।